Okay, the Samvidhan Divas or the Constitution Day is going to be celebrated and remembered inside Parliament tomorrow. But before we go across to all those points, the Lok Sabha Speaker, Om Birla, has spoken. Let's listen in to what he has to say about the Constitution and the Parliament procedures. 26 नवंबर संविधान दिवस पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 26 नवंबर को हमारा संविधान हमने अंगीकृत किया था और हमारे संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर और मनुष्यों का त्याग समर्पण उनके कर्तव्य को याद करने का दिन है कि आज 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और वो लोकतंत्र हमें संविधान की मूल भावनाओं से मिला है। आज़ादी के बाद जब हमने संविधान की चर्चा की, डिबेट शुरू की, तो हमारे मूल में, हमारी विरासत में लोकतंत्र था। लोकतंत्र हमारे विचार, हमारी कार्यप्रणाली में था और उस समय हमने देश के अंदर एक ऐसी शासन पद्धति दी जो हमारे मनुष्यों की दूरदृष्टि थी कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और उन महान मनुष्यों का दूरदृष्टि और उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक था, उनका चिंतन इनका व्यापक था कि उस समय उन्होंने संविधान बनाते समय संपूर्ण देश की विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, राजनीतिक दलों की विविधताएं, उन विविधताओं को कैसे एक साथ जोड़ा जा सकता है, हमारी विविधता हमारी ताकत बढ़े, इसके लिए संविधान के मूल भावनाएं हैं और संविधान के कारण ही हमारी विविधताएं ताकत बनी और संविधान के कारण ही हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमने अपनाई जो आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। सर, इस पर जश्न की कैसे तैयारी चल रही है? 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अगुवाई में ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी पूरे देश के अंदर संविधान की प्रस्तावना का पाठ सारे देश वाले एक साथ सामूहिकता से करेंगे ताकि संविधान के प्रति हम कृतज्ञ व्यक्त कर सकें और संविधान की मूल भावना और सामर्थ्य की ताकत को जन जन की ताकत पहुंचा सकें। मुझे आशा है कि ये संविधान दिवस जन आंदोलन बनेगा और संविधान पर हम सब संविधान के प्रति अपनी कर्तव्य व्यक्त करेंगे। Okay, संविधान खतरे में है was a narrative which was pushed by the India bloc and opposition parties. That is, as far as the Lok Sabha elections have concerned, that did not work and we had the speaker saying a lot of stuff about why there are certain constitutional amendment bills which are required. But what really is khatre mein? For now, it looks like India bloc is khatre mein. Already the Trinamool Congress has started taking pot shots at the Congress party. At around 10 a.m., the Congress president Mallikarjun Kharge has called a meeting of all the floor leaders of the India bloc, and the kind of impression I seem to be getting from the TMC is that we would be skipping it. After all, they are the loser and Congress pulls the entire India bloc down.